तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, IUPAC नेम ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, मींस साइक्लो एल्किन्स। ओके, तो देखो बच्चों, एलिसाइक्लिक एक्चुअली में एलिफैटिक और साइक्लिक इससे मिलकर बना है, मींस ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनकी ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज हैं वो एलिफैटिक यौगिकों जैसे हैं, मींस सैचुरेटेड या पार्शियल सैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक एज एल्केन, एल्कीन्स, इनके जैसे। ओके, तो आते हैं हम कि इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाए तो हमें क्या-क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट है कि एलिसाइक्लिक यौगिकों के वर्ड रूट में साइक्लो पूर्व लग्न लगाया जाता है। ओके, कि जैसे ये लिखा है तीन कार्बन का एक वलय बनी हुई है, तो इसका जो वर्ड रूट है वो हो गया प्रोप, है ना, तो इससे पहले हमने लगा दिया साइक्लो, तो ये हो गया साइक्लो प्रोप, और एन इसका प्राथमिक अनुलग्न है तो हो गया एन, तो हो गया साइक्लो प्रोपेन, क्योंकि सैचुरेट है। ऐसे ये सैचुरेट है, चार कार्बन है तो हम बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन, पांच है तो साइक्लो पेंटेन, ऐसे छह है तो साइक्लो हेक्सेन। अब ये चूंकि पांच कार्बन है, साइक्लो है, डबल बॉन्ड भी है, तो इन हो गया तो साइक्लो पेंटीन, तो ये सब एलिसाइक्लिक में आते हैं। तो इस तरह से आपको वलय में देखना है कुल कितने कार्बन है, उसके करस्पोंडिंग जो है वर्ड रूट लिखो और उससे पहले लगा दो साइक्लो, और फिर रिंग सैचुरेट है या फिर अनसैचुरेट है उसके अनुसार इनका जो प्राथमिक अनुलग्न है वो जोड़ दो। तो इस तरह से आपको इनका पहला जो रूल है अच्छे से याद रखना है। दूसरा है कि वलय से संलग्न प्रतिस्थापियों का लोकेंट नंबर को, मतलब उपस्थिति अंक को व्यक्त करने के लिए वलय का अंकन लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट नियम से करते हैं। बात समझ गए मेरी, कि अगर मान लो वलय में प्रतिस्थापी हैं, चाहे वो एल्किल समूह हो, चाहे फिर फंक्शनल कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप हो, तो आपको इसका अंकन किससे करना है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से। मींस अंकन ऐसा करना है कि प्रतिस्थापियों की उपस्थिति अंक का जो एक सेट बने वो लोअर हो। अब देखो यहां पर एग्जांपल से समझते हैं, और यदि इसमें लिखा है कि दो प्रतिस्थापी हो तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में करते हैं। अब जैसे यहां दो ही है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो हम कहां से कर देंगे, इथाइल से, तो हो जाएगा वन इथाइल, टू मिथाइल, साइक्लो पेंटेन। ठीक है, तो इसमें तो हमें लोवेस्ट सेट को ध्यान नहीं रखना है, इसमें दो ही थे तो हमने अल्फाबेटिकली कर दिया एल्काइल ग्रुप के आधार पर। फंक्शनल ग्रुप होंगे तो वहां हम अलग अभी रूप ध्यान रखेंगे। अब यहां देखो, यहां पर अगर आप देखें तो ये पोजीशन, और यहां अगर आप यहां अल्फाबेटिकली करोगे तो हो जाएगा वन टू टू सेट बनेगा लुकेंट का, और अगर आप यहां से करोगे तो वन और टू में तो वन वन टू, तो लोअर सेट क्या हो जाएगा, वन वन टू, इसीलिए इसका नेम हो जाएगा, ना कि हमें अल्फाबेटिकल ध्यान रखना है, यहां लोअर सेट ऑफ लुकेंट, तो टू इथाइल, वन वन डाई मिथाइल, साइक्लोपेंटेन। ऐसे यहां पर आ जाए, यहां पर भी वही रूल लग जाएगा, वन टू डाई इथाइल, वन मिथाइल, साइक्लोपेंटेन, यहां से ही करेंगे वन और यहां से। ये थे एल्काइल ग्रुप होने पर। ठीक इसी तरह से मान लो ये है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो अब ध्यान रखें कि प्रतिस्थापियों से कहीं ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होती है और इससे कहीं ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की। तो यहां पर हम ऐसे नंबर करेंगे कि इस डबल बॉन्ड को नंबर एक मिले लोअर लोकेंट आए, और फिर हम लोवेस्ट सेट लोकेंट रूल याद रखेंगे। मान लो हम टू यहां से करते, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव फाइव में दो आते, यहां से कर रहे हैं तो थ्री में दो आ रहे हैं, इसलिए यहीं से सही होगा, तो नेम हो जाएगा फाइव इथाइल, थ्री थ्री डाई मिथाइल, साइक्लोपेंट और वन ई। ठीक इसी तरह यहां पर आ जाए तो हमें यहां से ले लेना है, तो टू इथाइल, ठीक है, थ्री मिथाइल, साइक्लोपेंट वन ई, है ना, यहां पर हम लगा दें साइक्लोपेंट
1 ईन। वैसे तो अगर एल्काइल ग्रुप है तो ईन की पोजीशन देनी जरूरत नहीं है, वो 1 ही होगा। फिर इसी तरह से यहाँ आ जाए, अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी है ना, डबल बॉन्ड भी है, प्रतिस्थापी भी है, तो हम जानते हैं पहले प्रेफरेंस हम देंगे फंक्शनल ग्रुप को, मतलब द्वितीयक अनुलग्न को, फिर हम देंगे प्रेफरेंस प्राथमिक अनुलग्न मतलब डबल बॉन्ड को, फिर हम देंगे प्रतिस्थापी को। इसलिए अंकन ऐसे चलेगा 1 2 3 4 5, तो 5-ethyl साइक्लोपेंट 2-ईन 1-ओन। ओके, क्लियर है अच्छी तरह से। अब यहां आ जाए तो हमारे पास यहां पर देखें 1-2 में अमाइन है और 1-2 में एथाइल है और क्लोराइड है, तो 3 में, लेकिन यहां 3 में नहीं है, तो हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, तो होगा 5-amino 3-chloro 2-ethyl साइक्लोपेंटेन 1-ol, करेक्ट है। तो इस तरह से याद रखना। अब लिखा कि यदि पार्श्व श्रृंखला में क्रियात्मक समूह हो तो ब्लैक प्रीफिक्स होगी। हाँ, अगर चाहे साइड चेन कितनी भी छोटी है, अगर फंक्शनल ग्रुप उस साइड चेन में आता है, तो ध्यान रखें बच्चों, जो साइक्लो एल्केन की ये जो बलय है वो प्रीफिक्स में होगी, और इसके लिए साइक्लो एल्काइल या प्रीफिक्स या इसका नेम यूज होगा। जैसे हम इसे लिखेंगे साइक्लोपेंटाइल एथेनोइक एसिड, दूसरे कार्बन में जुड़ा है, हमें पोजीशन देने की जरूरत नहीं है साइक्लोपेंटाइल की, क्योंकि दूसरे में ही जुड़ सकता है, पहले में तो ये जुड़ ही नहीं सकता, लेकिन कार्बन चेन 2 से बड़ी हो कार्बन की, ठीक है। तो अब हमें पोजीशन देनी होगी, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, ठीक है। तो हम यहां पर, अब यहां पर इसका नाम देंगे हम, 3 तो हो गई जहां लोकेंट नंबर है इस रिंग का, फिर हो जाएगा साइक्लोपेंट 2-ईनाइल, क्यों, क्योंकि ये ईन है तो साइक्लोपेंट पोजीशन देना होगा इनाइल का, फिर हम लिखेंगे 1-2-3-propane-1-ol, करेक्ट है। इस तरह से यदि दो या अधिक बलय एल्किल समूह से जुड़े हो तो बलय प्रीफिक्स होंगे। अब यहां देखो बच्चों, जैसे एक बलय ये है ना, तो यहां पर 3 कार्बन की ये बलय जुड़ी है लेकिन 2 है, तो हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल मीथेन, क्या लिखेंगे, डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन, टेट्रासाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। लेकिन अगर मैं कहूं इसको क्या लिखोगे, तो हम इसे लिखेंगे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ध्यान रखें, जब 2 या 3 या 4 बलय हो कार्बन से जुड़ी हुई, तब आपको इनको प्रतिस्थापी मान लेना है बलय। एल्काइल ग्रुप में अगर कार्बन कम है साइड चेन में और साइक्लो एल्केन में ज्यादा है, तो ध्यान रखें एल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स हो जाएगा, और अगर एल्काइल ग्रुप में कार्बन ज्यादा है साइक्लो एल्केन में कम है, तो साइक्लो एल्केन प्रीफिक्स होगा। जैसे यहां पर प्रोपाइल साइक्लो पेंटेन लिखेंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन यहां चले जाए तो बराबर है तो भी क्या होगा, एल्काइल ग्रुप ही क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, तो यहां लिखेंगे पेंटाइल, ठीक है, और साइक्लो पेंटेन। लेकिन अब यहां चले जाए तो कार्बन चेन में जो है, देख रहे हैं आप, 6 हो रहे हैं और यहां 5, तो अब ये प्रतिस्थापी हो गया, तो हो जाएगा 1-साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। ओके, फंक्शनल ग्रुप अगर साइड चेन में भी हो और बलय में भी हो, तो ध्यान रखें बड़ा कहां फंक्शनल ग्रुप है उसी हिसाब से इसका प्रीफिक्स का सिलेक्शन होगा। अगर बड़ा फंक्शनल ग्रुप बलय में है तो बलय जो है अनुलग्न में आ जाएगी और उसका ये मतलब वर्ड रूट आएगा, और साइड चेन जो है वो प्रीफिक्स में आएगी, जैसे ये है तो बड़ा ग्रुप सी डब्ल्यू एच है, तो हम ये साइड चेन मान लेंगे और इसका प्रीफिक्स यूज होगा, इसका आईयूपीएसी नेम ले लें बच्चों, तो यहां से आप नंबरिंग कर दोगे 1 2 3, एल्काइल का जो आईयूपीएसी नेम होगा वो लिखेंगे, तो 3 का मतलब 3 पोजिशन में क्या क्या है बच्चों, देखो 3 में पोजिशन में ये है कि ना, यहां तो 1 ही आएगा, यहां पर हम ले लेंगे क्या कि 1 है ना, वह अच्छा ये तो इसकी ठीक, सॉरी, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ 3 कहाँ से आया है, 1 ये 2 और ये 3, तो 3 तो लोकेंट हो गया इस पूरी साइड चेन का। फिर आता है इसमें लिखा है 3-amino 3-hydroxypropyl, क्योंकि 3 कार्बन है तो आईपीसी नेम में प्रोपाइल ही बोलेंगे, फिर बंद कर देंगे ब्रैकेट, फिर लिखेंगे हम साइक्लोपेंटेन 1-carboxylic एसिड। इसके लिए स्पेसिफिक अनुलग्न यूज होंगे, क्योंकि इसका कार्बन सिलेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए वो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा। बात क्लियर है, ठीक इसी तरह से इसको हम लिखेंगे
क्यूब, साइक्लोपेंटेन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से इसमें आ जाए तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1,4-डाइकार्बोक्सामाइड। अब यहां देखो बच्चों, छोटा फंक्शनल ग्रुप रिंग में आया है और बड़ा फंक्शनल ग्रुप कहां बल्ला है, साइड में आया है, तो हम इसे मेन मानेंगे 1,2,3 और ये प्रीफिक्स में यूज हो जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे 4 पोजीशन में, इसका ये जो 4 है ये इसका लुकेंट नंबर है, तो 4 फिर लिखेंगे 3-हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइन एंड आईपीसी नेम होगा इसका और ब्यूटेनोइक एसिड। बात क्लियर है। इसी तरह से सैचुरेट और अनसैचुरेट बराबर कार्बन की बल्ला जुड़ी है, तो सैचुरेट बेंजीन जो है सैचुरेट रिंग को हम प्रीफिक्स लेंगे तो हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। ऐसे साइड चेन में डबल बॉन्ड हो और बल्ला में भी डबल बॉन्ड है तो ध्यान रखें बल्ला जो है वो मेन आएगी और साइड चेन में सिलेक्ट हो जाएगी साइड, ये है मतलब इसको हम प्रीफिक्स में लेंगे साइड चेन को, तो हो जाएगा 3-प्रोप-2-इनाइल, ठीक है, और साइक्लोहेक्सीन, और 1-हेक्सीन है तो 1 तो है ही है। ठीक इसी तरह से यहां पर आप देखो कि यहां पर हो जाएगा 3-साइक्लोहेक्साइल-प्रोप-1-इन। अगर बल्ला में कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ध्यान रखें ये प्रीफिक्स बन जाएगा और इस तरह से हो जाएगा 3-साइक्लोहेक्साइल-प्रोप-1-इन, क्योंकि यहां से 1, 2 और 3, क्योंकि आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस जो है वो ज्यादा होगा इसके प्रीफिक्स से, इसीलिए इस तरह से। तो यहां तक आप अच्छी समझ गए ना कि ये है साइक्लोएल्केन्स के आईयूपीएसी नेम, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब हम आ जाते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान है कि इनकी बेसिक यूनिट बेंजीन दिखाई देती है, इसलिए एरोमेटिक यौगिकों को बेंजीन का व्युत्पन्न माना गया है। बात समझ गए ना, इनकी पहचान ही होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स में कि इनमें बेंजीन वाले जरूर होगी। अब आता है कि आईयूपीएसी नेम में, तो देखो बच्चों कुछ एरोमेटिक यौगिकों की जो कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, वही आईयूपीएसी सिस्टम में ले लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि इनका एक ही नाम है, जैसे फिनोल भी नाम है आईयूपीएसी में सिलेक्ट कर लिया गया है और बेंजीनॉल भी होता है, ठीक, एनिलीन और एमिनो बेंजीन, ठीक, इसी तरह से ये है बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये है साइनोबेंजीन, बेंजामाइड, ठीक है, एनिसोल, फेनिटोल, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, टालुइन, तो ये इनके कॉमन नेम भी हैं और यही इनके आईयूपीएसी नेम भी हैं। मतलब ये हुआ कि हम फिनोल की ऑर्थो पोजीशन में NO2 जोड़ दें तो हम लिखेंगे 2-नाइट्रोफिनोल, तो ये भी आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। तो इस तरह से पहले और भी कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम ही आईयूपीएसी में चलते हैं। फिर दूसरा है कि यदि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप 2 या अधिक बार हो तो उनके विशिष्ट अनुलग्न ले लिए गए हैं। मतलब बेंजीन में मान लो 2 COOH जुड़े हों या 2 CHO जुड़े हों या 2 CONH2 जुड़े हों, तो अपन ने जो पढ़े हैं विशिष्ट अनुलग्न आप वो लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे बेंजीन, जैसे इसका लिखा है 1,3-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें लिखा है बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सामाइड, तो ये है बेंजीन 1,3-डाइकार्बोक्सिलडिहाइड, तो बेंजीन 1,2-डायोल, बेंजीन 1,2,3-ट्रायोल, ऐसे बेंजीन 1,2-कार्बोनाइट्राइल। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप या जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो फिर आता है कि यदि बल्ला में बहुत से प्रतिस्थापी हों तो लोवेस्ट सेट ऑफ लुकेंट रूल लगाओगे, जो कि मैंने आपको साइक्लोएल्केन में भी बताया। अगर 2 ही हैं तो अल्फाबेटिकली कर दो, जैसे इथाइल और मिथाइल थे तो हम लिखेंगे 1-ethyl-2-methyl बेंजीन, और एक और नाम भी दे सकते हैं बच्चों इसको 2-ethyl, ठीक है, टोलुइन, तो एक ये भी नेम पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर इथाइल ग्रुप ना होता तो इसका आईयूपीएसी नेम टालुइन है और टालुइन का डेरिवेटिव माना जाएगा। ठीक इसी तरह से इसमें आ जाए, अब इसमें 2 मिथाइल हो गए हैं तो हम इसमें से लोवेस्ट लुकेंट रूल लगाएंगे, ना कि अल्फाबेटिकल, तो हम यहां से कर ले 1, 2 और 3, तो 3-2-ethyl-1,3-dimethyl क्या हो गया, ये बेंजीन। ठीक इसी तरह से ये तो पहले भी आ गया है साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। अगर एल्काइल ग्रुप जो लगा है साइड में उसमें कार्बन ज्यादा है किससे, बेंजीन से, तो ध्यान रखें बेंजीन प्रीफिक्स हो जाएगा और इसके लिए क्या यूज होगा, फिनाइल। जैसे यहां पर देखो तो यहां से कर दिया हमने 1, 2 और यहां 4,
तो 6 और 7 है, तो इसमें 7 है साइड चेन में और बेंजीन में 6 कार्बन, तो जाएगा 2 फिनाइल हेप्टेन। यदि क्रियात्मक समूह पार्श्व श्रृंखला में हो तो बेंजीन के लिए फेनिक प्रीफिक्स यूज होगा, बिल्कुल वैसा ही बच्चों जैसे साइक्लो एल्केन में है कि अगर साइड चेन में फंक्शनल कंपाउंड आ गया तो बलय एक प्रतिस्थापी हो जाएगी और प्रीफिक्स यूज होगा फिनाइल, तो हो जाएगा जैसे इसका है 2 फिनाइल एथिनॉल, ठीक इसी तरह से हो जाएगा 3 1 2 3 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे ये है तो 1 2 कार्बन, तो यहां पर हो गया 1 और ये हो गया 2, तो हो गया फिनाइल एथिनोन, ठीक है, क्योंकि CH3CO को एथिनोन की टोन ग्रुप में आ गया ये। ठीक इसी तरह से साइड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये साइड के डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है प्रतिस्थापी हो जाएंगे और बेंजीन का यहाँ पर जो है पूर्व लग्न अनुलग्न यूज होगा, तो ये हो जाएगा एथिनाइल बेंजीन और ये हो गया एथिनाइल बेंजीन, या बेंजीन एसिटाइलीन भी कई जगह लिखा मिलेगा आपको ये, तो इस तरह से इनके नाम होते हैं। यदि दो क्रियात्मक समूह पार्श्व श्रृंखला एवं बलय में हो तो वरीयता के अनुसार प्रीफिक्स यूज होगा। देखो अभी जैसे मैंने आपको उसमें बताया था साइक्लोएल्केन में कि दो फंक्शनल ग्रुप में से एक बलय में है और एक साइड में, लेकिन अगर बड़ा समूह साइड चेन में है तो ध्यान रखें बलय जो है प्रीफिक्स में आ जाएगी और इसका उल्टा है तो साइड चेन प्रीफिक्स में आएगी। तो जैसे इसको लिखेंगे तो यह पूरी बलय जो है बच्चों साइड चेन में आ गई, तो हो जाएगा 3 पोजीशन में जुड़ी हुई है, तो 3 तो हो गया इसका लोकेंट नंबर जो ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है ये। फिर हम इस बलय का नामकरण कर लें IUPAC, तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, यहां से नंबर 1 होगा जो बलय जिस कार्बन के थ्रू मुख्य श्रृंखला से जुड़े उसे एक नंबर देके, तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और फिर ये पूरे का नेम है प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ पर छोटा फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में आ गया और बड़ा जो है बलय में है और यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 पोजीशन में जो साइड चेन जुड़ी है 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, फिर हो गया बेंजोइक एसिड। अगर देखा जाए दो सब फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं एक से, तो ध्यान रखें जिसमें कार्बन ज्यादा है वो उसका उसमें जाएगा वो मतलब मेन और मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाएगा, और साइड चेन जो है जैसे इसमें COOH इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन बलय में ज्यादा कार्बन है इसलिए हो जाएगा 3 पोजीशन में यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक है, और बेंजोइक एसिड। लेकिन अब यहाँ कार्बन ज्यादा है और बलय में कम है तो हम बेंजीन बलय को प्रीफिक्स में लेंगे और होगा यहाँ से 1 2 5, हो गया 1 2 और 5 7 और 8 पोजीशन में जुड़ा है 3 कार्बोक्सी फिनाइल और ऑक्टेनोइक एसिड। ऐसे दो बलय एक ही कार्बन से जुड़ी हो और ऐसे तो बलय को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे बच्चों, प्रतिस्थापी या प्रीफिक्स, हो जाएगा डाइफिनाइलमिथेन ट्राइफिनाइलमिथेन। फिर आते हैं IUPAC नेम ऑफ साइक, ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो देखो बच्चों बाईसाइक्लो कंपाउंड ऐसे चक्रीय यौगिक है जिनमें दो कार्बन परमाणु दो बलय के लिए उभयनिष्ठ होते हैं, मतलब ये देख रहे हैं आप दो बलय जुड़ी हैं तो दो कार्बन दोनों बलय के लिए कॉमन है तो हम इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। ये जो कॉमन कार्बन है इनको बोला जाता है ब्रिज हेड, ये जो कार्बन जुड़े हैं एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक की जो चेन जुड़ी है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे इसमें 4 कार्बन की ब्रिज है, एक ये भी ब्रिज है भले 0 कार्बन है क्योंकि दो ब्रिज हेड जुड़े हुए हैं, और ये भी एक क्या है बच्चों ब्रिज है। तो इस तरह से ब्रिज हेड याद रखना है, उन एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक की जो एक चेन है उसे हम बोलते हैं ब्रिज। जब हम इसका नेम लिखेंगे तो सबसे पहले आप जो भी इस बलय में प्रीफिक्स है उनको लिखेंगे, फिर लगाएंगे बाई साइक्लो, मतलब इसमें साइक्लो के आगे पूर्व लग्न गया बाई, तो बाई साइक्लो जो बताता है दो साइकिल है, और फिर ब्रैकेट के अंदर XYZ, तो ये क्या है बता दू, XYZ है ब्रिज में कार्बन परमाणुओं की संख्या घटते क्रम में, मतलब ये जो 3 ब्रिज बने हैं एक ब्रिज एक बीच वाला ब्रिज और एक ये, तो इन ब्रिज में कुल कितने कितने कार्बन है उनको घटते क्रम में लिख देना है, और फिर इसके बाद जो भी वर्ड रूट आ रहा है टोटल दोनों ब्रिज के ये सारे ब्रिज के कार्बन जोड़ के विद ब्रिज हेड, मतलब पूरी बलय में दोनों बलय में कुल कितने कार्बन है उसका वर्ड रूट लिखें, और फिर उसमें सफिक्स लगा दें, प्राइमरी सफिक्स लगा दें, सेकेंडरी सफिक्स है तो वो भी लगा दें, ठीक है। यदि किसी ब्रिज है में ब्रिज में प्रतिस्थापी हो, देखो ये तो हो गया नॉर्मल, अब मान लो इसमें इसमें किसी भी ब्रिज में कोई प्रतिस्थापी आ गया,
तो अंकन किसी एक ब्रिज हेड से प्रारंभ करोगे बच्चों, और पहले हमेशा बड़े ब्रिज हेड में चलोगे, चाहे कितने भी किसी में प्रतिस्थापी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पहले बड़े ब्रिज में चलना है और फिर दूसरे उससे छोटे ब्रिज में चलना है, और इसके पश्चात सबसे छोटे ब्रिज का अंकन करना है, तथा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट का भी पालन करना है कि मान लो दो ब्रिज बराबर लंबाई के हैं, एक में क्या है कोई अल्काइल ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले उस ब्रिज को सिलेक्ट करो। जैसे देखो यहाँ गया वाई साइक्लो, है ना, कोई प्रीफिक्स नहीं है, और अब इसमें कार्बन देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दो ब्रिज में तो चार चार है, और ये जो बीच वाला ब्रिज है उसमें जीरो है, तो हो गया जीरो। और इसके बाद टोटल देखो गले में है हमारे पास छह चार दस, तो डी कैन हो गया, सैचुरेट है, एन लग गया, है ना। फिर आते हैं इसी तरह से, इसमें देखो आप एक ब्रिज ये है, ये ब्रिज हेड ये हो गए, और यहां से आपको ऐसे अंकन करना है, वन अंकन की जरूरत नहीं है, पहले देखो आप एक ब्रिज हेड और एक ये है, तो बाई साइक्लो, इसमें देख रहे हैं आप दो दो और एक, मतलब दो यहां दिख रहे हैं कार्बन, दो यहां दिख रहे हैं, एक यहां, तो गया टू टू वन हेप्टेन, बात क्लियर है। ठीक इसी तरह से इसमें आ जाए तो ये ब्रिज हेड है। अब देखो यहां पर बलय में मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे करेंगे, हमेशा रूल है एक ब्रिज हेड से चले और दूसरे ब्रिज हेड तक चले, लेकिन पहले बड़े ब्रिज को सिलेक्ट करेंगे अगर दोनों, और फिर इसके बाद आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट याद रखना है कि नंबरिंग कैसे करें कि हमें साइड चेन को कम नंबर मिले। तो हम अगर यहां से करते, सोचो यहां से वन, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन पे आता, लेकिन मैंने यहां से किया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन में आ गया, तो सेवन मिथाइल वाई साइक्लो, फोर थ्री और बीच में जीरो है, तो जीरो आएगा यहां पर, फोर थ्री जीरो, और ये हो जाएगा क्या बच्चों, हेप्टेन। इसमें आ जाओ तो देखो ये ब्रिज हेड है और ये ब्रिज हेड है, क्योंकि यहां एक बला ये दिख रही है आपको, एक बला ये है, ठीक है, तो एक बला ये भी है, है ना, तो दो बला है, लेकिन एक बला में डबल बॉन्ड है, तो पहले बड़े ब्रिज में चलेंगे इसमें, तो यहां से करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव। अब देखो इस बला में, इस ब्रिज में और इस ब्रिज में दोनों में एक एक कार्बन है, लेकिन इसमें प्रतिस्थापी है, तो हम ऐसे चलेंगे फोर फाइव सिक्स, और फिर ये वाला हो गया सेवन, तो जाएगा सिक्स सिक्स डाई मिथाइल साइक बाई साइक्लो, ठीक है, फिर हो जाएगा देखो थ्री, पहले ब्रिज में तीन, फिर वन वन, और फिर हैप्ट, छह कार्बन कितने हो गए, छह और एक सात, तो हैप्ट, और टू पोजीशन में इन है, तो मैंने लगा दिया हैप्टीन। ठीक इसी तरह से मान लो ये एक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको बलय को पहले नंबरिंग करेंगे, पहले हमें बड़ी बलय, फिर और छोटी बलय, फिर छोटी, तो उसमें डबल बॉन्ड है, तो पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये हो गया सेवन, तो जाएगा सेवन मिथाइल वाई साइक्लो। इसका अनुलग्न यूज होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और इसका पूर्व लग्न आएगा, ठीक है, और इसका प्राथमिक अनुलग्न आ जाएगा, ये है, ये है, और इसका द्वितीयक अनुलग्न लेंगे, है ना। तो हमने लिखा सेवन मिथाइल बाई साइक्लो टू टू वन, है ना, हेप्ट टू, पोजीशन में डबल बॉन्ड है इन, और सेवन में फोर, तो फंक्शनल ग्रुप था तो वो सेकेंडरी सफिक्स में चला गया। अब आ जाते हैं स्पायरो, तो देखो बच्चों स्पायरो एक ऐसे कंपाउंड है जिनमें दो बलय एक ही कार्बन के थ्रू जुड़ी होती हैं ऐसे, तो इस कार्बन को बोलते हैं स्पायरो कार्बन, ठीक है, और ये क्या कहलाएंगे बच्चों, ब्रिज। तो इनका जो नेम होगा वो है प्रीफिक्स स्पायरो एक्स वाई, केवल दो ही नंबर आएंगे, और ध्यान रखें यहां एक्स और वाई, तो यहां पर जो आप एक्स और वाई लिखेंगे ये इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो यदि बलय में, तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है ये बढ़ते क्रम में लिखना है, उसमें घटते क्रम में थे, ब्रिज के कार्बन है, तो यदि लिखा है बलय में कोई प्रतिस्थापी हो तो अंकन स्पायरो कार्बन के बाद छोटे ब्रिज के कार्बन से प्रारंभ करते हुए, स्पायरो कार्बन से अंकन करते हुए फिर बड़े ब्रिज में अंकन करते हैं, अंकन करते हैं और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट के अनुसार इसका रूल लगाएंगे। तो देखो ये हो गया स्पायरो कार्बन, ये हो गया ब्रिज, तो हो गया स्पायरो, और दोनों ब्रिज में तीन तीन कार्बन है, तो थ्री थ्री, और टोटल कार्बन है सात, तो हो गया हेप्टेन। अब यहां आ जाए, इसमें एक प्रतिस्थापी भी है, लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़ी बड़ा का करेंगे, पहले हमें छोटी का
ब्रिज के छोटे ब्रिज का अंकन करना है, फिर बड़े की तरफ चलना है। तो जाएगा यहां से 1, 2, 3, मतलब छोटे स्पाइरो कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन लेना है छोटी वलय का, वहां से अंकन करना है। तो 1, 2, 3, 4, अब यहां ना जाके हम इस तरफ जाएंगे क्योंकि लोवेस्ट सेट लगेगा। तो जाएगा 5-मिथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स यहां पर बच्चों, ये क्या हो जाएगा प्रीफिक्स। तो 5-मिथाइल और स्पाइरो, फिर 3 और 2 5 कार्बन है तो हो जाएगा, बढ़ते क्रम में लिखना है तो 3 5 और टोटल हो गया आपको 6 और 3 9, तो हो गया नोनेन। ठीक इसी तरह से यहां देखो, अब आप इसमें डबल बॉन्ड भी है इसमें, तो इसमें है 4 कार्बन, इस तरह से इसमें है 3, तो पहले छोटी वलय का नंबरिंग करेंगे और हम ऐसे करेंगे कि प्रतिस्थापियों को नंबर कम मिले, तो प्रेफरेंस देंगे। तो अगर हम यहां से चलें तो 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 6, और अगर हम यहां से चलें यहां से तो 1 2 3 4 5 6 बराबर आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 1-मिथाइल स्पाइरो 3 4, है ना, 3 और 4 कार्बन है, ऑक्ट 8 हो गए टोटल, 8 हो रहे हैं क्या ये, हाँ 8 हो गए, 4 और 4 8, है ना, तो हो गया ऑक्ट, और 6 पोजीशन में ईन आ गया। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो आप फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में लगा दो। तो इस तरह से आपको कुल मिला के ये रूल्स याद रखने हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, फिर से समझे। एक्स और वाई ब्रिज के कार्बन है जिन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है, इसके बाद बर्ड रूट लगाओ। अगर कोई सफिक्स प्राइमरी है तो प्राइमरी तो लगी गई, अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी भी लगाए, प्रीफिक्स स्पायरों के पहले लगा देना है। इस तरह से कुल मिला के ये है हमारा बिल्कुल नंबरिंग का जो रूल है वो बाईसाइक्लो के बिल्कुल जस्ट उल्टा है, बाकी सब कुछ वही है कि आपको कहाँ वर्ड रूट में कहाँ सफिक्स, कब प्राइमरी और कब सेकेंडरी लगाना है। तो ये है हमारा कुल आईपीसी नॉमेनक्लेचर बच्चों। अब इसके बाद हम जीओसी का अगला पार्ट जो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके।